हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चरर्स में। वीडियो शुरू करने से पहले और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ये देखना चाहिए, देखो बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स फर्स्ट पेपर एग्ज़ाम पेपर 2020 में कैसा आया था ये देखिए। 2020 में ओपन बुक प्रणाली से पेपर हुए थे तो क्वेश्चन कैसे आए थे ये देखिए। यूनिट फर्स्ट से आया था, कॉम्पिटन प्रभाव क्या है सिद्ध कीजिए कि फाई कोण पर प्रकीर्णन के लिए कॉम्पिटन हटाव डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम जीरो सी ब्रैकेट इन वन माइनस कॉस फाई होता है, प्रतीकों के अर्थ सामान्य है। ये अपन को 20 में दिया है पेज नंबर 6 पर। ये अपन का यूनिट फर्स्ट से आया था, ठीक है, पिछली साल फिजिक्स में। अब सेकेंड क्वेश्चन आया था यूनिट सेकेंड से, ई ऊर्जा का एक कण भी जीरो ऊंचाई के विभव सोपान पर आधारित होता है। आइगन फलन की विवेचना कीजिए, यदि सोपान की ऊंचाई अनंत हो तो क्या होगा। पेज नंबर 39 पर दिया है यूनिट सेकेंड में, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है, बोर का परमाणु मॉडल क्या है और इसके दोष लिखिए। यह पेज नंबर 93 पर यूनिट थर्ड से लिया गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सभी पिछली साल आए हैं 2020 में लॉकडाउन में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन फोर्थ आया था यूनिट फोर्थ से, रमन प्रभाव क्या है इसके अध्ययन के लिए प्रायोगिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए, रमन प्रभाव के विभिन्न उपयोग लिखिए। यह पेज नंबर 114 पर 20 में दिया गया है ये वाला क्वेश्चन, यूनिट फोर्थ से आया था। अब यूनिट फाइव से आया था गाइगर नटल नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से दर्शाइए कि अल्फा कणों के ऊर्जा स्रोत के 6 नियतांक पर किस प्रकार निर्भर करती है। ये है पेज नंबर 20 के पेज नंबर 137 पर। ये थे अपने फिजिक्स फर्स्ट पेपर से ये आए थे क्वेश्चन फाइव आए थे 2020 में। ये अपना एग्जाम पेपर आया था, ठीक है। अब देखो फिजिक्स सेकेंड पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे। ये अपना फिजिक्स सेकेंड पेपर 2020 एग्जाम पेपर एग्जामिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट था, क्रिस्टल विवर्तन क्या है, क्रिस्टल से विवर्तन संबंधी लावे के समीकरण प्राप्त कीजिए। ये आया था अपना यूनिट फर्स्ट से जो कि फिजिक्स सेकंड पेपर 20 में पेज नंबर 21 पर दिया है। अब क्वेश्चन सेकंड है, अनुचुंब के पदार्थ की चुंब की प्रवृत्ति उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये यूनिट सेकंड से लिया गया है पेज नंबर 59 फिजिक्स सेकंड पेपर, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, पूर्ण तरंग दृष्टकार्य का परिपथ खींचकर इसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए, इसकी दक्षता उर्मी का घटक व वोल्टेज नियमन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन थर्ड यूनिट थर्ड से लिया गया फिजिक्स सेकंड पेपर जो कि 20 में 99 पर दिया गया पेज नंबर 99 पर। क्वेश्चन फोर्थ है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन का अर्थ समझाइए। ये अपना यूनिट फोर्थ से लिया गया है फिजिक्स सेकंड पेपर पेज नंबर है 157 पर। क्वेश्चन फाइव है, टिप्पणी लिखिए जो कि यूनिट फाइव से लिया गया है। प्रश्न पृष्ठ पर परमाणुओं की संख्या, सेकंड है क्वांटम आकर प्रभाव, थर्ड है नैनोमुद्रण। इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे अपन के 2020 में लॉकडाउन में ओपन बुक प्रणाली से पेपर हुए थे तब, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।